Hi guys, welcome once again to English, English. आज का बहुत ही यूजफुल वीडियो है इसमें कि मैंने बताया है कि आप इंग्लिश को बोलते वक्त या लिखते वक्त क्या गलतियाँ करते हो और इनको हम कैसे सुधार सकते हैं फिफ्टीन सेंटेंसेस हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है में करते हो, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा पहला सेंटेंस है आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है ज़्यादातर लोग बोलते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है इसको बोलने के लिए हमें बोलना चाहिए व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच नेक्स्ट सेंटेंस है पुलिस आ रही है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं द पुलिस इज कमिंग हम हमेशा पुलिस को प्लूरल सेंस में यूज करते हैं तो हम पुलिस के लिए जब भी लगाएंगे तो उसके साथ आर लगाएंगे द पुलिस आर कमिंग द पुलिस आर कमिंग नेक्स्ट वन इज जिंदगी मुश्किल है ज्यादातर लोग बोलते हैं द लाइफ इज हार्ड इसमें गलती है कि हम लाइफ के आगे द नहीं लगाते हम बोलेंगे लाइफ इज हार्ड लाइफ इज हार्ड नेक्स्ट सेंटेंस है मैं और रिया यहाँ रहते हैं आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो कि मैं और दूसरा पर्सन ये काम करते हैं या ये वो तो ज्यादातर लोगों को मैंने कहते सुना है मी एंड रिया या ब्ला, ब्ला यह, जो कि बिल्कुल ही गलत है जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम मैं को पहले लगाते हैं बट जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम मैं का जो इंग्लिश है आय उसको हम बाद में यूज करते हैं तो इस सेंटेंस को करेक्टली बोलने के लिए हम बोलेंगे रिया एंड लिव हियर रिया एंड लिव हियर सपोज कीजिए चाय आप बोलते हो गर्म कर दो थोड़ी कम गर्म हो या फिर दोबारा गर्म कर दो तो आपने अगर बोलना है कि यह आप ज्यादा गर्म है तो ज़्यादा लोग बोलते हैं इट इज मोर हॉट नाउ जो कि बिल्कुल ही गलत है इसको बोलना चाहिए इट्स हॉट इट्स हॉट ना हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह सोफे पर लेटा था He was laying on the couch. जो तो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि laying का मतलब होता है बिछाना या फिर और कई कॉन्टेक्स्ट में हम laying को यूज कर सकते हैं तो इस सेंटेंस को सही बोलने के लिए हम बोलेंगे He was lying on the couch. He was lying on the couch. Next one is कम पोशाकें थी आप शोरूम में गए आपने बोला कि ड्रेसेस तो बहुत ही कम थी देखने वाली या फिर किसी भी चीज के लिए आपने ऐसे बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं ज्यादातर लोग बोलते हैं देयर वर लेस ड्रेसेस देयर वर लेस ड्रेसेस हमें बोलना चाहिए देयर वर फ्यू ड्रेसेस देयर वर फ्यू ड्रेसेस नेक्स्ट वन इज कैंटी टूट गई है द सीजर्स आर

Ask him to sit besides me. जो कि again गलत है क्योंकि besides जो है उसका मतलब होता है except यानि के इलावा तो इसका right version है Ask him to sit beside me. Ask him to sit beside me. फिर हम खरीदारी करने जाएंगे तो इसके लिए ज़ातदर लोग बोलते हैं Tomorrow we go shopping. tomorrow we go shopping जो कि बिल्कुल ही गलत है हमें बोलना चाहिए tomorrow we will go shopping tomorrow we will go shopping नेक्स्ट सेंटेंसेस मैंने उससे माफी मांगी तो ज्यादातर लोग बोलते हैं आई एम सॉरी टू हर या आई एम सॉरी टू हिम जो कि बिल्कुल ही गलत है हमें बोलना चाहिए आई अपोलोजाइज टू हर आई अपोलोजाइज टू हर या फिर ही नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपने दम पर नई नौकरी हासिल की आई गॉट द न्यू जॉब बाय माई ऑन तो इसमें मैं आपको बता दू कि बाय माई ऑन का मतलब होता है मेरे द्वारा कोई काम किया गया हो तब हम लगाते हैं बट ये है आपके दम पर आपने हासिल की तो आई गॉट द न्यू जॉब ऑन माई ऑन आई गॉट द न्यू जॉब ऑन माई ऑन नेक्स्ट वन इज वे किसके बारे में बात कर रहे हैं आर दे टॉकिंग अबाउट हम लोग यही बोलते हैं ज्यादातर क्योंकि हमें हु who और होम का डिफरेंस ही नहीं पता कि क्या होता है हमें बोलना चाहिए होम आर दे टॉकिंग अबाउट इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हु हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो देव है मतलब वे लोग सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे होम Are they talking about? मैं पूरा पसीने से भी गा हूं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आई एम ऑल वेट आते हैं तो आई एम ऑल वेट तो ये भी रोंग है आपको बोलना चाहिए आई एम ऑल स्वेटी आई एम ऑल स्वेटी कृपया मेल का जवाब दे प्लीज रिप्लाई बैक टू द मेल अब इस सेंटेंस में गलती है कि आपने रिप्लाई भी लगाया और बैक भी लगाया और ये नाइन्टी परसेंट लोग ये गलती करते ही करते हैं तो इसका सही ट्रांसलेशन है प्लीज रिप्लाई टू द मेल प्लीज रिप्लाई टू द मेल तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ सेंटेंसेस आई होप आपको अच्छे लगे होंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से क्या गलत बोलते हो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग